हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के वीडियो पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर किस तरीके से वेडिंग कार्ड डिजाइन करना सीखेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए अंत तक। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2019 वर्जन है। अगर आपके पास जो भी वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है भी, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर किसी भी तरीके का डिजाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको वेडिंग कार्ड डिजाइन करने के लिए पेज साइज क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर लेआउट के अंदर क्लिक करूंगा, ध्यान से देखिए। और लेआउट के अंदर क्लिक करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर साइज लूंगा दोस्तों A5 साइज। तो यहाँ पर देखिए A5 साइज का मैंने यहाँ पर एक पेज सेलेक्ट कर चुका हूँ दोस्तों। इसको क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको मार्जिन नैरो करता हूँ दोस्तों। ध्यान से देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर पेज क्रिएट हो चुका है। सिंपली मैं इसको पेज को कॉलर चेंज करूँगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं पेज कॉलर के अंदर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मैं एक डार्क रेड वाला ये वाला कलर चूज करूँगा। आप चाहे तो जो भी कलर आपको यहाँ पर मोर फील कलर के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको जो डार्क वगैरह कलर और डार्क वगैरह कलर आपको चाहिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पर फील कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से तो यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है। अब सिंपली आपको यहाँ पर कुछ बॉर्डर वगैरह बनाने हैं तो आप यहाँ पर आसानी से बना सकते हो। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए मैं एक यहाँ पर लाइन शेप्स क्रिएट करना चाहूँगा। तो ये आप चाहे तो इस वाले शेप्स को भी क्लिक करते हुए यहाँ पर एक बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो। ये वाला क्लिक कर दो। इसको सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इस तरीके से ये साइज को पतला करना है और इसको भी आपको यहाँ पर इस तरीके से पतला करना है। जितना हो सके उतना आपको पतला करना है दोस्तों। तो इसको भी आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको साइज पतला करना है। तो इसको थोड़ा सा मैं और पतला करना चाहूँगा, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से। और उसके बाद इस वाले को मैं यहाँ पर आउटलाइन कलर नो करूँगा और सिर्फ फिल कलर में यहाँ पर वाइट करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये वाला बॉर्डर यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। इसी को मैं यहाँ पर कंट्रोल डी करते हुए कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रोटेट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए रोटेट के अंदर क्लिक करते हुए इस तरीके से फ्लिप करूँगा और यहाँ पर फ्लिप वर्टिकल करूँगा, होरिजेंटल और वर्टिकल करूँगा। तो उसके बाद इसको मैं यहाँ पर सेट करूँगा इस वाले कॉर्नर के अंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पर कुछ एक और कॉर्नरिंग बॉर्डर वगैरह भी बना सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर वर्ड के अंदर क्लिक करना है, ये वाला वर्ड स्टाइल 1 के अंदर क्लिक करना है। अब आपको सिंपली होम के अंदर क्लिक करते हुए क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग और नो स्पेसिंग, ये दो बात आपको ख्याल करना है दोस्तों, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग और नो स्पेसिंग। और उसके बाद सिंपली आपको जाना है दोस्तों फॉन्ट के अंदर, और फॉन्ट के अंदर जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो भी आपको फॉन्ट चाहिए। तो आपको यहाँ पर फॉन्ट इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर भी आपको बॉर्डर वगैरह बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बॉर्डर आ चुका है। आप चाहे तो यहाँ पर सिंबल के अंदर क्लिक करते हुए भी आप बॉर्डर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप चाहे तो जो भी बॉर्डर आपको पसंद है वो बॉर्डर आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए फॉन्ट का नाम है दोस्तों आकृति इमेज। आप चाहे तो जो भी आकृति इमेज का फॉन्ट वगैरह यूज करते हुए आपको यहाँ पर बॉर्डर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ढेर सारे फॉन्ट वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर के लिए 8 आकृति इमेज 8 क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अच्छा सा कोई एक बॉर्डर सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला बॉर्डर, इंसर्ट और क्लोज, और इसी को यहाँ पर इस तरीके से इतना सेलेक्ट करूँगा। और सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर मैं वर्ड स्टाइल 1 और इसको मैं होम क्लियर आप चाहे तो कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसको क्लियर नहीं करना चाहते तो भी कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहे तो यहाँ पर फॉन्ट कलर वाइट क्रिएट कर सकते हो। तो इसको आप यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लीजिए। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा ऊपर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो सबसे पहले तो इसको यहाँ पर मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पर इसको सेट करूँगा। आप चाहे तो इसको फॉन्ट इंक्रीज करते हो, आपको यहाँ पर ये बॉर्डर बड़ा करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बड़ा करते हुए यहाँ पर इसको सेट करना है। तो यहाँ पर देखिए इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए कॉपी करना है फॉर्मेट और उसके बाद इसको रोटेट करना है। तो रोटेट करने के बाद इसको आपको यहाँ पर सेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये बॉर्डर वगैरह भी मैंने यहाँ पर सेट कर चुका है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आऊँगा और एडजस्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और आपको यहाँ पर जो भी शुभ विवाह होगी वगैरह वगैरह आपको यहाँ पर टाइप करना है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं।
तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हैं, पिक्चर्स के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर मैं डी ड्राइव के अंदर जाऊँगा। दोस्तों मेरे पास ढेर सारी इमेजेस मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। दोस्तों आप भी इसी तरीके का इमेजेस वगैरह गूगल से डाउनलोड करते हुए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने वेडिंग टूल्स के लिए ढेर सारे यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर शुभ विवाह के लिए एक यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करना चाहूँगा। ये PNG नहीं है दोस्तों, मैं PNG सेलेक्ट करता हूँ, PNG ही सेलेक्ट करना है दोस्तों आपको। तो मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ये भी PNG नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको ये वाला PNG सेलेक्ट करता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसको मैं कलर चेंज करूँगा दोस्तों, वाइट कलर के इसको क्लिक करते हैं, आर्टिस्ट कलर ये वाला सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं वाइट कलर लगा देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। आप चाहे तो इसको जहाँ पर इसको सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। और मेरे पास यहाँ पर कुछ वेडिंग टूल्स है दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ वेडिंग के लिए टेक्स्ट टाइपिंग करके रखा हूँ दोस्तों। मैं वही टेक्स्ट को यहाँ पर कॉपी करना चाहूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर वेडिंग टूल्स के अंदर ही क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर वर्ड के फाइल है दोस्तों ये वाला वेडिंग टेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए इसी सभी को मैं यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए कॉपी करूँगा, Ctrl+C और कॉपी। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते हुए आपको इस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद सिंपली आपको वो सभी को यहाँ पर Ctrl+V करते हुए पेस्ट करना है। आप चाहे तो इस सभी को आप एडजस्ट कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं है। इस एरिया को मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहूँगा, डिलीट करूँगा तो इसको इंटर करूँगा। और सबसे पहले तो इसको मैं फॉर्मेट के अंदर क्लिक करते हुए ये वाला फिल कलर, इसके अंदर फिल कलर है, इसको मैं नो फिल करूँगा, आउटलाइन नो आउटलाइन करूँगा। अब मैं यहाँ पर इस सभी को एडजस्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इस वाले को और ये वाले को यहाँ पर इसको डिलीट करूंगा और यहाँ पर इंटर करते कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। इसको तो मैं सबसे पहले बैकवर्ड कर लेता हूँ और इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ पर इसको सेट करूंगा। अब मैं इस सभी को यहाँ पर फॉन्ट कलर चेंज करूंगा व्हाइट, ताकि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगे। और यहाँ पर देखिए, और इसको आपको चाहे तो इसको कॉपी करते हुए एक साइड और एक साइड भी रख सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं है। ये सभी को आप एडजस्ट कर लीजिए, जितना हो सके आप एडजस्ट करना चाहिए तो आप एडजस्ट कर लीजिए। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इसको इतना ही रखूँगा दोस्तों। ये यहाँ से फोल्ड होकर आएगा तो ये मैं डिलीट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत से यहाँ पर डिज़ाइन लग रहा है। इस सभी को आप चाहे तो फॉन्ट आपको इंक्रीज करना है तो आप इंक्रीज कर लीजिए, आपको जितना फॉन्ट बनाना है आप बना सकते हो। 11 तो मैं 11 के आसपास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितना आसानी से यहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका है दोस्तों। देखिए फॉन्ट भी आपको यहाँ पर अब बनकर तैयार हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखते हुए एडजस्ट करूँगा, तो इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करूँगा। आपको जो जो मटेरियल्स वगैरह चाहिए तो आपको यहाँ पर फिल करना है दोस्तों, कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं। आप इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हैं, आपके पास जो भी मटेरियल्स वगैरह है आप इंसर्ट कर लीजिए। तो मैं ये वाला इंसर्ट करूँगा, रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसको छोटा करूँगा और इसको यहाँ पर सेट करूँगा। इसको आप चाहे तो कलर वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। ये वाला कलर आपको पसंद है तो आप ये वाला कलर भी यहाँ पर रख सकते हो, जो कलर आपको पसंद है वही कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आपको ये वाला ही आपको यहाँ पर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर से मैं एक और यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करना चाहूँगा, तो इसको भी मैं यहाँ पर रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा और इसको यहाँ पर छोटा करते हुए यहाँ पर मैं इसको सेट करना चाहूँगा। तो इसको मैं यहाँ पर सेट करूँगा, इसको तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ रखना चाहूँगा, थोड़ा सा छोटा करते हुए यहाँ पर सेट करूँगा, इसको यहाँ पर सेट करूँगा ताकि दिखने में काफ़ी कूलर अच्छा लगे। और उसके बाद आपको जो जो और पिक्चर्स वगैरह है आप अप्लाई करते हुए जाइए। तो मैं ये वाला इंसर्ट करूँगा और इसको रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और इसको यहाँ पर सेट करना चाहूँगा, थोड़ा सा छोटा करते हुए। और आपको और भी पिक्चर्स है तो आप इंसर्ट कर लीजिए, आपको जो जो पिक्चर्स है आप वही सेलेक्ट करते हुए जाइए। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए ये वाला पिक्चर्स मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसके जगह मैं ये वाला पिक्चर सेलेक्ट करना चाहूँगा। तो फिर से मैं इंसर्ट करूँगा,
इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसको डिलीट करता हूँ, इसको यहाँ पर सेट करूँगा, थोड़ा सा छोटा करते हो तो कितना खूबसूरत से यहाँ पर देखिए डिजाइन तैयार हो चुका है। अब इस सभी फॉन्ट को आप चाहे तो बड़ा वगैरह करना चाहते हो तो बड़ा वगैरह भी कर सकते हो इसको, और इसको भी आप चाहे तो बड़ा कर लीजिए, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो। सेंट्रलाइजमेंट कर लीजिए इस तरीके से आपको, और एक बार यहाँ से इंटर करते हुए एडजस्ट वगैरह कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना आसानी से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर वर्डिंग कार्ड डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है दोस्तों। आप भी इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर वर्डिंग कार्ड डिज़ाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।